तो दोस्तों पहलवान सुशील कुमार ने कहा, मुझे काला जटेडी से समझौता करने दो वरना मुझे जेल में मार देगा। क्या कुछ मामला है? वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। और दोस्तों 96% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए जान लेते हैं। पहलवान सुशील कुमार ने डर के साए में बिना सोए खाए बिताई रात। तमिलनाडु पुलिस कर रही है सेल की सुरक्षा। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्या की मामले में आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार अब नया ठिकाना मंडोली जेल नंबर 15 में शिफ्ट हो गए हैं। अदालत की तरफ से सुशील कुमार को 14 दिन के रिमांड न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं और उसके मेडिकल कराया गया। देर रात उनको लेकर मंडोली जेल पहुंची पुलिस। कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल सुशील कुमार को जेल में 15 से 14 दिन के लिए अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही जेल जाने के डर से सुशील कुमार का वहां पहुंचकर बुरा हाल है। कहने को तो सुशील कुमार का बर्ताव इस पूरे मामले में शातिर अपराधी का रहा, लेकिन जेल का खौफ उसके मन में जिस तरह से दिखाई दिया उसकी उम्मीद तो पुलिस भी नहीं कर रही थी। जेल सूत्रों का कहना है कि उसी रात यानी कि पहली रात बैरट के ठहरे हुए करवटे बदलते गुजरी। और जानिए कैसे बीती पहलवान सुशील कुमार की जेल में पहली रात। तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने इस बात की पुष्टि की है कि ओलंपियक पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली के मंडोली जेल संख्या 15 में रखा गया है। सुशील कुमार में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। फिलहाल उसे 14 दिन के अन्य कैदियों से क्वारंटीन रखा गया है। जेल के अधिकारी के सूत्रों के अनुसार देर रात जेल पहुंचने के बाद सुशील कुमार को जेल का खाना दिया गया, लेकिन उसने खाना खाने से मना कर दिया। इस मामले में सुशील कुमार के साथ शामिल रहे सभी आरोपियों को इसी जेल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि पहलवान सुशील कुमार न तो रात में खाना खाया और न ही ठीक प्रकार से सो पाया। और पुलिस ने कहा कि पहलवान सुशील कुमार अपने बैरक में ही कभी चक्कर काटता रहा, कभी करवटे लेता रहा। जेल सूत्रों का कहना है कि जेल पहुंचने पर सुशील कुमार काफी डरा हुआ था। वही पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सुशील गैंगस्टरों की डर की वजह से जेल में जाने से कतरा रहा था और पुलिस के सामने रो रहा था। जेल अधिकारियों का कहना है कि सुशील कुमार को तमिलनाडु पुलिस की सुरक्षा में रखा जाएगा और उस पर CCTV कैमरे से नज़र रखी जाएगी। जानकारी के अनुसार सुशील कुमार का कहना था कि यदि वह बिना जटेड़ी से समझौता करवाए जेल में गया तो उस पर जेल में भी हमला हो सकता है। ऐसे में सुशील कुमार ने पुलिस अधिकारियों से रिमांड बढ़वाने की गुहार लगाई थी। वही पुलिस अधिकारी इन सबसे पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि और सबूत जुटाने के लिए उसके रिमांड मांगी गई थी। दूसरी ओर सुशील कुमार के करीबियों ने मांग की है कि रिमांड पूरी होने के बाद सुशील कुमार को जेल में अलग सेल में रखा जाए और उसको जेल में ही सुरक्षा दी जाए। सूत्रों का कहना है कि जेल प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली है। और दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि दोस्तों 96% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।